देखो पिछला पार्ट में हम कहाँ तक किए थे तुम्हें अच्छे से याद होगा, ठीक है। अभी ऑपरेशन का टाइम शुरू होने वाला है, यानी कि अभी जो हमारे डॉक्टर है वो ऑपरेशन करेंगे, एंड ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए ना अभी तक यार, मतलब ऐसी तैसी मत करो यार मूड की, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, जूते फेंक के मारो, मतलब कुछ भी फेंक के मारो, सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए यार, दबा दो। तो स्टोरी कुछ ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे तुरंत ऊपर से जो नर्स होती है वो चिल्ला के बोलती है कि अब वक्त हो चुका है, अब प्लीज़ ऊपर आ जाइए, डॉक्टर को वो ऐसा बोल रही है। फिर जो यहाँ पे हमारे डॉक्टर एंड्रयू है वो तुरंत वहाँ से उठते हैं, टाइम की ओर देखते हैं जो कि बज रहा था 3:30 के अप्रॉक्स। अब देखो एक चीज़ मस्त फैक्ट बताता हूँ, मेरा जन्म भी 3:30 बजे के आसपास ही हुआ है सुबह के। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। हाँ तो वो बुलाती है और फिर डॉक्टर एंड्रयू टाइम को देखते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि ये परफेक्ट टाइम है, इस अब उन्हें काम पे लग जाना चाहिए। फिर वो ऊपर जाते हैं, रूम के अंदर घुसते हैं और करीब 1 घंटा तक बहुत मेहनत करने के बाद ऑपरेशन उन्हें लगा कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद बच्चा जो होता है वो जैसे ही सूरज की एकदम ताजी ताजी किरणें पड़ने लगती है ना, उस टाइम वो बच्चा जन्म ले लेता है। पर वो जो चाइल्ड होता है ना वो बिल्कुल लाइफलेस होता है और बिल्कुल स्टिल होता है, यानी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू उस चाइल्ड की ओर देखते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, किससे, जोय से किए थे, सुजैन से किए थे, कि उनके और उनके बच्चे को कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा उन्होंने उन्हें वादा दिया था और वगैरह वगैरह। यानी कि इस पॉइंट पे उनके डर के मारे फटी पड़ी होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा हॉरिफाइड होते हैं इस टाइम पे। फिर वो अंदर से हिम्मत इकट्ठा करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें चाइल्ड को बचाना ही बचाना है। फिर वो देखते हैं कि उनके पेशेंट का यानी कि सुजैन का भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जा रहा है। फिर वो सोचते हैं कि पहले किसे बचाया जाए, सुजैन को या फिर उस चाइल्ड को। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उस पॉइंट पे। तभी डॉक्टर एंड्रयू बिल्कुल ब्लाइंडली उस बच्चे को जो होता है वो नर्स को देते हैं और तुरंत चले जाते हैं मिसेस मॉर्गन के पास, उन्हें ठीक करने के लिए चले जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि जो मॉर्गन होती है वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई होती है उस बेड पे, बिल्कुल कोलैप्स्ड। उनकी पल्स ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी और उनकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो ऑलमोस्ट समझो कि खत्म होते जा रही थी, बिल्कुल जीरो पे होने वाली थी। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली थी, यानी कि होते जा रही थी। तभी डॉक्टर एंड्रयू जो होते हैं वो तुरंत सुजैन को एक मेडिसिन का इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद एक हाइपोडर्मिक सीरिंज से लटका देते हैं, जो कि सुजैन को हेल्प करता है वापस से रिकवर करने में। और ये सब के बाद कुछ ही मिनट बाद वो जो सुजैन होती है वो बहुत ही ज्यादा रिकवर करने लगती है, उनके हर्ट में स्ट्रेंथ आने लगता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और वो बहुत ही ज्यादा पहले से ठीक होने लगती है, यानी कि ऑलमोस्ट ठीक ही हो जाती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है इसका मतलब कि वो मरने से बच जाती है। ऑब्वियसली वो बच्चा को जन्म दिए उनके बाद, उसके बाद तो उनका हालत ऑब्वियसली खराब होना ही है कुछ दिन तक, बट फिलहाल वो बची हुई थी, उनका मौत नहीं हुआ था एंड डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया था। अब आगे फिर तुरंत डॉक्टर एंड्रयू पीछे मुड़ते हैं और अपने स्लीव्स को ऊपर करते हैं और तुरंत मिडवाइफ से यानी कि उस नर्स से पूछते हैं कि वो बच्चा कहाँ पे है, जल्दी बताओ। उसके बाद मिडवाइफ अपने उस बच्चे का लोकेशन बताती है। उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू तुरंत जाते हैं बेड के नीचे जहाँ पे चाइल्ड रखा हुआ था, वहाँ पे उस चाइल्ड को निकालते हैं और साथ ही साथ उस बेड के नीचे कुछ न्यूज़पेपर भी रखे हुए थे उसे भी निकालते हैं। फिर डॉक्टर एंड्रयू ध्यान से उस बच्चे को देखते हैं जो कि एक लड़का होता है जिसका बॉडी बहुत ही गर्म होता है और एकदम व्हाइट स्किन का हो गया था, यानी कि व्हाइट कलर का बिल्कुल हो गया था। और उस बच्चे की जो स्किन थी उसमें काफी ज्यादा अच्छा टेक्सचर था और वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी और बहुत ही ज्यादा नाजुक भी था। और उस बच्चे के जो हाथ और पैर थे ना वो बिल्कुल बोनलेस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो एकदम लचक मचक है, उसमें कोई बोन नहीं है और वो बिल्कुल लाइफलेस है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर एंड्रयू तुरंत समझ जाते हैं कि उस बच्चे को और कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एस्फिक्सिया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे के जो ब्लड में या तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है या फिर उस बच्चे का दम घुटा गया है, यानी कि दम घुट रहा है कुछ उस टाइप से। फिर एकदम से उन्हें केस के बारे में याद आता है जो कि सिमैरिटन में हुआ था और उसकी बिल्कुल केस इसी तरह की थी। बस कुछ सेकंड्स के लिए सोचने के बाद वो तुरंत नर्स को चिल्ला के बोलते हैं कि जल्दी से गर्म पानी, ठंडा पानी और कुछ बेसिन लाके दो। और इस पॉइंट पे मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो नर्स होती है ना वो काफ़ी डरी हुई होती है और अचानक से जैसे डॉक्टर उन्हें बोलते हैं वो अचानक से मूवमेंट शो करती है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और फिर वो तुरंत चली जाती है सारा सामान लाने, क्या क्या, बेसिन, गर्म पानी और ठंडा पानी। और तब तक डॉक्टर क्या करते हैं, उस बच्चे को तौलियों के ऊपर रखते हैं, एक तौलिया लेते हैं उसके ऊपर उस बच्चे को रखते हैं और तब तक वो जो नर्स होती है वो बेसिन लेके आती है। बेसिन यानी कि कंटेनर, दो कंटेनर होता है बड़ा सा कंटेनर, एक कंटेनर में जो डॉक्टर होते हैं गर्म पानी डालते हैं, एक कंटेनर में डॉक्टर ठंडा पानी डालते हैं, एकदम गर्म पानी नहीं डालते हैं, नॉर्मल पानी डालते हैं, मतलब गर्म पानी और ठंडा पानी को मिक्स करके डालते हैं।
फिर वो एक स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन को शुरू कर देते हैं, जिसमें वो जो बच्चा होता है वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं, फिर पहले गर्म पानी में डालते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं, बिल्कुल एक जोकर की तरह जो एक स्किट शो करता है ना, बॉल ऊपर फेंकता है एक हाथ से दूसरा हाथ, फिर दूसरा हाथ से अपना पहला वाला हाथ, तो वही स्किट वो उस बच्चे के साथ कर रहे होते हैं। तुरंत गर्म पानी में डालते हैं, फिर ठंडा पानी में डालते हैं, और ऐसे ही वो कंटिन्यू रखते हैं कुछ टाइम के लिए। और वो डॉक्टर करीब 15 मिनट्स तक इसे कंटिन्यू रखते हैं, और ऐसा करते करते ना वो डॉक्टर पूरा पसीना पसीने हो जाते हैं, और उन्होंने जो अपनी स्लीव्स फोल्ड करके रखी थी, अपनी जो शर्ट होती है उसकी जो स्लीव्स को उन्होंने फोल्ड कर रखी होती है, उसमें से एक हाथ की स्लीव्स उनकी पूरी नीचे आ जाती है। वो काफी डर जाते हैं, वो हाँफने भी लगते हैं, मतलब डरते नहीं है बल्कि वो हाँफने लगते हैं, वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। फिर जो डॉक्टर होते हैं ना उन्हें हार वाली फीलिंग भी आने लगती है, फिर वो देखते हैं मिडवाइफ को जो कि दीवार से लदकर एकदम खड़ी होती है। उन्हें उस बच्चे की ग्रैंडमदर की याद आती है जो कि कितना उत्सुक है अपने ग्रैंडचाइल्ड को देखने के लिए। फिर उन्हें सुजैन की याद आती है, उसकी उस बच्चे की मदर की याद आती है जो कि अपना पहला चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही है। फिर उसे उन यानी कि डॉक्टर को उस बच्चे के फादर के बारे में भी याद आता है, जो कि जिन्होंने उस डॉक्टर से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है कि वो सब कुछ सही कर देंगे। फिर भी जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं ना वो कंटिन्यू रखते हैं, वो जो अपना काम कर रहे होते हैं, उस चाइल्ड को पहले गर्म पानी में डिप करते हैं, पहले ठंडा पानी में डिप करते हैं, उसके बाद गर्म पानी में डिप करते हैं, और ये वाला जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रखते हैं। और ये करते करते ना वो जो उस रूम का जो जमीन होता है वहाँ पे पूरा पानी बिखर जाता है, पानी यानी कि वेट हो जाता है, और जो सामान सब होता है वो इधर उधर बिखर जाता है। और ये करते करते एक दो बार तो ऐसा होता है ना कि उनके हाथ से वो बच्चा बस फिसलने ही वाला होता है। तभी उस रूम में जो खड़ी मिडवाइफ होती है यानी कि वो नर्स, वो डॉक्टर को रुकने के लिए कहती है, जो कि अपने गले पे हाथ रख के खड़ी होती है दीवार से लदकर, वो डॉक्टर को रुकने के लिए कहती है और कहती है ये जो बच्चा ये स्टिल बॉर्न है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं उस मिडवाइफ की यानी कि नर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और वो अपने काम को फिर लगातार आधे घंटे तक करते रहते हैं। फिर भी उन्हें उस चाइल्ड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो एक लास्ट ट्राई भी कर लेते हैं। उन्होंने लास्ट ट्राई किया, वो क्या किया, उन्होंने उस बच्चे को वहां से फिर निकाला यानी कि पानी से निकाला, और फिर उसे अच्छे से रफ टॉवल से पोंछना शुरू कर दिया, और अपने हाथों से धीरे धीरे उसके चेस्ट पे प्रेस करने लगे। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ होगा तुम लोग सोच सकते हो कुछ? तो देखो यहाँ पे होता है एक बहुत बड़ा चमत्कार, मिरेकल हो जाता है। वो जो बच्चा होता है ना उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट सो होता है, उसकी सांस जो होती है ऐसे लगता है कि सांस चलना शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके चेस्ट में कुछ कुछ हलचल होने लगती है। और ये देखते ही डॉक्टर एंड्रयू अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो अपने एफर्ट्स को और बढ़ा देते हैं और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं उस चाइल्ड को एकदम सही पोजीशन पे यानी कि उस चाइल्ड को 100% यानी कि जिंदा साबित करने के लिए। एंड यहाँ पे अभी बेस्ट पार्ट सुनो, वो जो चाइल्ड होता है वो रिकवर करने लगता है और सांस लेने लगता है। डॉक्टर को ये कैसे पता चलता है? वो जब उस चाइल्ड को बहुत बार पानी में डिप कर रहे होते हैं पहले, तो उसकी नोजी के अंदर बहुत सारा वाटर चला जा चुका होता है, और जैसे ही वो बच्चा सांस लेने लगता है ना तो उसके नोजी से कुछ म्यूकस टाइप से निकलने लगता है, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो बच्चा अब सांस लेने लगा है। और अब वो चाइल्ड बिल्कुल भी बोनलेस नहीं लग रहा था, और उसका जो हेड था वो पीछे की तरफ झुका हुआ नहीं था, और उसका जो पूरा व्हाइट बॉडी था ना वो धीरे धीरे पिंकिश कलर में ट्रांसलेट यानी कि बदलने लगता है। एंड अब फाइनली वो जो चाइल्ड होता है ना वो रोना शुरू कर देता है। एंड ये देखते ही वहाँ पे जो खड़ी मिडवाइफ होती है नर्स, वो तुरंत गॉड से प्रे करने लगती है और कहती है कि फाइनली अब जो ये जो बच्चा है ये बॉर्न हो चुका है, यानी कि इसमें जान आ चुका है। अब यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू उस बच्चे को मिडवाइफ को दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इसे संभालो। और यहाँ पे जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया हुआ होता है सुजैन और उसके बच्चे की लाइफ सेव करने के लिए। और फिर अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो रूम है ना वो पूरा बिखरा हुआ होता है, उसका जो फर्श होता है, उसका जो फ्लोर होता है वो पूरा बिखरा हुआ होता है, जहाँ पे टॉवल फेंका हुआ रहता है, कंटेनर फेंका हुआ रहता है, पूरा गीला होता है, और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़, डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट भी फेंका हुआ रहता है। फिर वो क्या करते हैं ना, वो सबसे पहले अपने स्लीव्स को फोल्ड करते हैं और उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि उनके स्लीव्स में बहुत ज़्यादा पानी जा चुका होता है। उसके बाद वो ट्विस्ट करने के बाद अपने ब्लेजर उठाते हैं, हैट उठाते हैं, और नीचे किचन की ओर जाते हैं पानी पीने तक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। फिर वहाँ से वो पानी पी के कहाँ जाते हैं, एक वॉशिंग एरिया होता है उस घर में, वहाँ पे जाते हैं। और अब फिर इसके बाद वो जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, जो के पास जाते हैं, जो कि अभी भी घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं, और उन्हें जाके बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है जो, तुम्हारी वाइफ भी और तुम्हारा बच्चा भी। और इस टाइम सुबह के 5 बज रहे होते हैं।
और वो टाइम सुबह का ऐसा टाइम होता है ना कि जब कोई रोड पे चले तो उसका आवाज, उस चलने की आवाज अच्छे से सुनाई देती है और बहुत ही अच्छे टोन में, तो फिर मतलब अच्छा मतलब आवाज आ रहा होता है ऐसा समझ लो चलने का। तो फिर यहाँ पे वो जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं ना, वो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ से आ जा रहे हैं, यानी कि सुबह हो चुका है, रोशनी हो चुका है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो भी वहाँ से अपने घर की ओर निकल लेते हैं। और फिर वो चलते चलते बोलते हैं, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, यानी कि उन्होंने फाइनली कुछ अच्छा काम किया है। और उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने जितनी भी मेहनत की होती है ना, वो वेस्ट नहीं जाता है, उसका फल उन्हें मिल ही जाता है। और एट लास्ट उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही होती है। एंड 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 हमारा चैप्टर खत्म होता है। यार यहाँ आगे नहीं बताया गया उनकी और उनके गर्लफ्रेंड के बीच में आगे सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, मुझे जानना था यार। कोई नहीं, अब मैं उतना मोटा बुक तो पढ़ने वाला हूँ नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।